सबको यीशु सहाय। ऑनलाइन चर्च में आप सबका स्वागत है। आज प्रभु यीशु के जन्म दिवस के पश्चात आठवां पर्ववार पुनरुत्थान पर्व के पूर्व नौवां पर्ववार है और सप्तवा गेशिमा का दिन भी है। आह्वान, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस नए दिन, नई बेला, नए समय के लिए जो तूने हमारे लिए ठहराया है कि हम तेरे प्रिय दास दासी तेरे पवित्र दिन में, जिसको तूने आशीषित करके हमारे लिए दिया है, और इस दिन में हम तेरी संगति ऑनलाइन चर्च के माध्यम से कर पाते हैं। प्रभु, जैसा तूने आप कहा, जहाँ दो या तीन में नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ, तो हमारे बीच में उपस्थित हो कि हर एक सुनने वाले, देखने वाले जो इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से तेरी संगति में है, प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर तुझ जूते प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे और तेरी बड़ाई और प्रशंसा करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, तेरे प्रबंध से सब प्राणियों का भरण पोषण होता है, हमें यह देखना सिखा कि इन सब कार्यों में तेरा ही हाथ है और तेरे इन कृपापूर्ण दानों का उपयोग हम श्रद्धापूर्वक और धन्यवाद के साथ करने पाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता
और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के दिन को योग्य रीति से मानने के लिए, ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर अठवारे के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मारक रहे। हमें अपने इन पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह अनुग्रह दे कि हम उसे सब प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नए बल पाकर हम अपने जीवन की सब दिन तेरी सेवा विश्वस्तता से करते रहें, उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चित रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्त घृणों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वास करने दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सारे दुखित, लाचार और बीमार और पीड़ा में पड़े हुए लोगों के लिए जो हमारे बीच में पाए जाते हैं, ईश्वर शक्तिमान पिता, जीवन और अज्ञता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थनाएं चाही गई है, उन पर उनकी सेवा करने वालों पर अपने आशीष सुंडेल, ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो वे तन मन में चंगे हो जाएं और तेरे पुत्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लव सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वरदे किस देश के सब लोग तुझे टहल कर पाए और हे ईश्वर के पिता, उस प्रतिज्ञा का शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं इस सारे मनुष्य पर अपना आत्मा डालूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीष्ट दे दिया कि हमें पाप उस बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निरंतरता हो और हमें शाश्वत जीवन पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो अपने साथों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा कर सबको छुटकारा दे, सब भले काम आपको इस तरह सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया हुआ पहला पाठ वचन उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 8वें पद से लेकर 16वें पद तक। उत्पत्ति नामक पुस्तक 9वां अध्याय उसका 8 पद से लेकर 16वें पद तक। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग हैं, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी या वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ युग युग की पीढ़ियों के लिए
बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर ना होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के या सदा की वाचा स्मरण करूंगा। जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है, या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन, प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 17 अध्याय 22 पद से लेकर 31 पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन, उसका 17 अध्याय 22 पद से लेकर 31 पद तक। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने के स्थानों को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियाँ सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं, अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब वस्तुओं को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। या परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
सुसमाचार पाठ पवित्र मति रचित सुसमाचार, पवित्र मति रचित सुसमाचार उसके छठवें अध्याय में लिखा है और उसके 25वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी महिमा हो। पवित्र मति रचित सुसमाचार उसका छठवां अध्याय और उसके 25वें पद से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली श्वसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। या प्रभु यीशु ख्रीष्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान अग्रकारी जीवित पिता परमेश्वर, हमने इस पवित्र दिन में जो तूने हमारे लिए ठहराया, तेरे वचन को सुना है और इस ऑनलाइन चर्च के माध्यम से तेरी संगति उपस्थिति में है, प्रभु हम तेरे वचन पर थोड़ी देर मनन करना चाहते, उसको समझना जानना चाहते। हमारे हृदय रूप पटिया में तू अपने वचनों को लिख, उसे खोलकर शुद्ध पवित्र बनाए रख। इस वक्त तू मुझ में होकर अपने पवित्र आत्मा सरक्ष बातें कर, मैं नहीं वरन आप ही तू बोलने वाला हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सबो को यीशु सहाय। सबो का स्वागत है इस ऑनलाइन चर्च में, जबकि हम सब ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे को इस रूप में डिजिटल तरीके से देख पाते हैं, मिल पाते हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है और हम सब घर में बैठे ही एक तन होकर, परमेश्वर की कलिशिया होकर, विश्वासी जन होकर आराधना कर पा रहे हैं। ये अपने आप में परमेश्वर का बनाया हुआ योजना है। जैसा कि हम लोगों ने वचन सुना, तीनों पाठों को सुना, इस पाठ के आधार पर आज का जो हमारे पास विषय है, वह विषय है समस्त पृथ्वी ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण है जो परमेश्वर की भलाई और उसकी प्रबंध व्यवस्था की ओर संकेत करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हमारे और आपके बीच में है कि परमेश्वर की उपस्थिति इस पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के चिन्हों और परमेश्वर के प्रबंध व्यवस्था के माध्यम से उसके होने का प्रमाण देता है, और ये अच्छा प्रतीक चिन्ह के रूप में हमारे बीच में है
कि हम परमेश्वर की प्रबंध व्यवस्था के माध्यम से हम लोग आज ऑनलाइन चर्च के रूप में एकत्रित हो पाए हैं, सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की प्रबंध व्यवस्था है। अगर परमेश्वर ना चाहता तो हम इस रूप में एक दूसरे से ऑनलाइन के माध्यम से संगति नहीं कर पाते। परमेश्वर की उपस्थिति में विभिन्न स्थानों में बैठकर उसके अंग होकर उसकी उपस्थिति को नहीं पा सकते थे। ये परमेश्वर का प्रबंध व्यवस्था है। और जबकि हम लोगों ने पहला पाठ वचन सुना, पहले पाठ वचन में भी हम लोगों ने देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने अपने दासों को जब जल प्रलय हुआ परमेश्वर पछताया, उसके बाद परमेश्वर ने वायदा किया मनुष्य जाति से और हर एक जीवधारी जीवित प्राणी से उसने वायदा किया, कसम खाया कि मैं अब दोबारा जल प्रलय के माध्यम से संसार को नाश नहीं करूँगा। नूह और उसके बेटों से भी और आने वाले पीढ़ी हमारे तक जो हम यहाँ पाए जाते हैं, परमेश्वर ने वादा किया और उसको पूर्ण भी किया। और समय समय पर जब आकाश में बादल होता है, बरसात का समय होता है, हम लोग देख पाते हैं धनुष नुमा एक चिन्ह को जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण बना होता है और उसको हम आकाश के इस छोर से उस छोर तीर किनारे बना हुआ देखते हैं। और ये परमेश्वर का प्रबंध व्यवस्था है कि परमेश्वर उसको देखकर दोबारा उस चीज़ को नहीं करने का जो उसने वायदा किया है उसको पूरा करता है कि जल के माध्यम से दोबारा कभी मैं पृथ्वी को नाश नहीं करूँगा, उसमें जीवधारियों को नाश नहीं करूँगा। और परमेश्वर इसको पूर्ण करने के लिए जब भी बादल आसमान में छाता है, वर्षा होती है और जब घना होता है तब वो चीज़ दिखाई देता है। और इससे परमेश्वर के उस धनुष को जो उसने कहा मैं अपना धनुष रखूँगा और उसने वो धनुष रखा है और उस धनुष को देखकर वो चिन्ह स्वरूप हमारे बीच में ठहरा और वो उस के माध्यम से हम सबों को सुरक्षित रखे हुए हैं। और इसी प्रकार से हम लोगों ने दूसरा पाठ वचन भी सुना है, दूसरे पाठ वचन में भी हम लोग देखते हैं पौलुस प्रेरित किस रीति से बता रहा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है, रचा है, हर एक चीज उसके प्रबंध के अनुसार है और वो उस प्रकार का प्रचार भी कर रहा है। आज हमें ये समझने की आवश्यकता है परमेश्वर के प्रबंध व्यवस्था चिन्हों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है और हमारे बीच में हर समय वो चिन्ह दिखाई देता है। और सबसे बड़ा चिन्ह जो हम लोग अपने बीच में देखते हैं वो ये है कि मनुष्य मनुष्य से जन्म लेता है और फिर वो मर जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। ये परमेश्वर की उपस्थिति का एक प्रमाण है। मनुष्य जैसा वचन यहाँ कहता है, कोई व्यक्ति, हम लोग सुसमाचार पाठ में सुन रहे थे, कोई भी अपने प्राण को बचा नहीं सकता ना अपने बाल को काला या उजला कर सकता है, केवल और केवल परमेश्वर ही यह प्रबंध कर सकता है। अपने आयु को ना वो बढ़ा सकता है ना घटा सकता है, अपने इच्छा से वो कुछ नहीं कर सकता, वो काम केवल परमेश्वर कर सकता है। जिसका जब समय होता है वो पैदा होता है, जब समय होता है वो मर जाता है। ये परमेश्वर का चिन्ह है, उसके होने का प्रमाण है।
और इस चिन्हों को हमको समझने की आवश्यकता है। और वे इसलिए है, ये सब चिन्ह इसलिए हमारे पास है कि हम परमेश्वर के नज़दीकता में आए, परमेश्वर की संगति में आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए और सदा उसको धन्यवाद देते रहे। यहाँ वचन हम लोग दूसरा पाठ में सुन रहे थे, वहाँ पर पौलुस प्रेरित या प्रेरितों के कामों में वहाँ हम लोग चर्चा सुन रहे थे कि परमेश्वर सोने या रूपे में, परमेश्वरत्व सोने या रूपे में नहीं है, मनुष्य की कारीगरी नहीं है, मनुष्य की कल्पनाओं से गढ़ी हुई नहीं है। हमको ये समझने की आवश्यकता है। और ये जो परमेश्वरीय व्यवस्था है, जो चिन्ह है, और हम जो परमेश्वर की उपस्थिति को पाना या जानना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति को पहचानना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण बात है, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कैसे प्रमाणित होता है परमेश्वर हमारे पास है? विभिन्न प्रकार के चिन्हों को हम संसार में होते हुए देख सकते हैं जो हमारे कल्पना शक्ति से परे है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज क्या है जो परमेश्वर के होने को प्रमाणित करता है? वो ये है, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीष्ट दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये महत्वपूर्ण है हमारे पूरे मसीही व्यवहारिक जीवन, मसीही व्यक्तिगत जीवन, मसीही कलीसियाई जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रमाणित करने के लिए कि परमेश्वर अपनी संगति उपस्थिति संसार में देता है, जो वायदा उसने किया उस जल प्रलय के बाद, उस वायदा को वो पूरा करता है, वो अपनी संगति को देता है। विभिन्न प्रकार के चमत्कारों को हम उसको समझते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र हमें दे दिया, और वो इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का होने का प्रमाण कैसे पता चलेगा? यीशु मसीह के होने का वो कैसे दिखाई देगा? केवल हम लोग साधारणतः चमत्कार को ही देखते हैं कि कोई बीमार है तो वो चंगा हो जा रहा है, कोई तकलीफ में है, पीड़ा में है, वो छुटकारा पा रहा है। इसको हम लोग परमेश्वर के या यीशु मसीह के होने का प्रमाण मानते हैं, विश्वास का प्रमाण मानते हैं, लेकिन इससे भी कहीं आगे बातें हैं, इससे भी कहीं आगे व्यवहारिक चीज है जिसको हमको समझना चाहिए। और वो ये है, यीशु मसीह ने कहा अपने वचनों में, जो हम धर्मशास्त्र पढ़ने के माध्यम से जान सकते हैं। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। हम जो विश्वासी हैं, मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हम लोग सब भेड़े हैं और हम लोग भेड़ियों के बीच में हैं। तो जाहिर सा बात है, जब हम भेड़े हैं और भेड़िए हमारे इर्द गिर्द हैं, तो भेड़िया का काम है कि भेड़ों को खाए, मारे, पीटे, कूटे, उसका शोषण करे। महत्वपूर्ण चीज है यीशु मसीह होने का, यीशु मसीह के होने का प्रमाण ये है कि हम मसीही सताए जाते हैं। यीशु मसीह का होने का यह प्रमाण है, हम मसीह मारे जाते हैं। अगर ये नहीं होता तो यीशु मसीह होने का प्रमाण नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, वे मुझे सता रहे हैं तो तुम्हें क्यों नहीं सताएंगे? वे मुझे बुरा भला कहते हैं तो वे तुम्हें क्यों नहीं कहेंगे? जब यीशु मसीह को सताया गया, यीशु मसीह को मारा, काटा, कूटा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके हाथों में कीले ठोके गए, पैर में कीले ठोके गए और पांजर में भाला घोपा गया,
कांटों का मुकुट पहनाया गया, नंगा लटकाया गया, जब ये सब यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह के साथ हुआ, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, स्वर्गराज का अधिकारी, सारा कुछ उसके हाथ में था, जैसा हम लोग दूसरा पाठ वचन में सुने, सब कुछ उसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ख्रीस्ट के साथ ये घटनाएं हुई। अब इस संसार में प्रभु यीशु ख्रीस्ट है नहीं है, इसका प्रमाण कैसे मिलता है? मात्र केवल चंगाई होने से नहीं, प्रभु यीशु ख्रीस्ट के होने का एकमात्र कारण, या कहे तो एकमात्र चिन्ह यह है कि हम मसीही जिन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्ट पर विश्वास किया है सताए जाते हैं। यह बड़ा गर्व का विषय है, ये बड़े आनंद का विषय है, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि तुम आनंद करो कि लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे। इससे तुम दुखित मत होना, आनंदित होना। आज यही तो एकमात्र प्रमाण है, यीशु मसीह संसार में है, हमारे बीच में है, और हम जो सुनते हैं कि मसीहों को सताया जा रहा है, मारा कूटा जा रहा है, ये प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह संसार में है, हमारे बीच में है, वो कार्य कर रहा है, परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। अगर वो नहीं होता तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती। यही एकमात्र प्रमाण है, हम जो सताए जाते हैं, सताया जाना, हमारा सताया जाना, हमारा दुख उठाना ही ये प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह संसार में है और वो कार्य कर रहा है, परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। ये हमको समझना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का ये मतलब नहीं कि हमको खूब शांति, खूब आनंद, खूब धन दौलत मिले, ये नहीं है। यीशु मसीह का होने का हमारे जीवन में एक ही तरीका है, एक ही बात है, और वो है कि हम अन्य लोगों के हाथों से सताए जाएं। ये प्रमाणित करता है कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह की उपस्थिति है, यीशु मसीह कार्य कर रहा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है, और यही एकमात्र चिन्ह है जो हमको अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलेगा, और यह परमेश्वर का व्यवस्था है हमारे जीवन के लिए, और यही व्यवस्था के माध्यम से ही हम ऑनलाइन होकर उसके वचनों को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए। तो प्रियो, आइए हम लोग परमेश्वर के उस चिन्हों को, जिसको उठाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्ट के माध्यम से हमें दिया। यीशु ने कहा, जो कोई मेरा चेला होना चाहता है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो क्रूस उठाने का मतलब ही है कि हम कोड़ा खाएं, हाथों में कीलों को ठुकवाएं, पैर में ठुकवाएं, अपने पांजर में भाला घोपवाएं, कांटों का मुकुट पहने, नंगे हों। यही एक मात्र तरीका है यीशु मसीह के पीछे होने का। परमेश्वर इन वचनों पर हमको बहुतायत का आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपने वचन का प्रकाशन दिया है प्रभु, इन्हीं वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई कर कि हम तेरे प्रिय दास दासी जिन्होंने इस ऑनलाइन के माध्यम से तेरे वचनों को सुना है, प्रभु हम तेरे चिन्ह बने रहे, जिस चिन्ह के लिए तूने हमें बनाया है, जिस प्रबंध व्यवस्था के लिए तूने हमें ठहराया है, वो सब तेरी इच्छा अनुसार जैसे स्वर्ग में पूरी होते हो, इसी पृथ्वी पर हर एक सुनने वाले, देखने वाले के जीवन में पूर्ण होने सके। हमारे भविष्य ख्रीष्ट, आइए हम लोग सब कोई मिलकर अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन से करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पात्र के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतक लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतक न्याय करने को फिर आएगा।
मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 221 हम अपने भेंटों और दानों को पिता परमेश्वर के सामने अर्पित किया है। हम धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरे ओर से मिलता है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। आमीन। हम सारे आशीषों के लिए, परमेश्वर की दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देंगे, विशेष करके जितने भी लोगों का बीते सप्ताह या आज जन्म दिन है, जो धन्यवाद देना चाहते हैं वे परमेश्वर के नज़दीकता में आए, और जो चंगाई से, बीमारी से चंगाई पाए हैं, छुटकारा पाए हैं हर प्रकार के जोखिमों से, वे भी सामने आए, और जितने भी जोड़े हैं, जो विवाह में जोड़े गए हैं, अपने विवाह के वर्षगांठ पर धन्यवाद देना चाहते हैं, वे भी सामने आए। हम लोग स्तोत्र 121 को पढ़ेंगे। स्तोत्र 121। मैं पर्वतों की ओर अपने नेत्र उठाऊंगा, मेरी सहाय कहाँ से आएगी? मेरी सहाय प्रभु ही की ओर से आती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। वह तेरे पाँव को टलने ना दे, तेरा रक्षक ना होंगे। देख, इसराइल
का रक्षक न ऊँगता न सोता है। प्रभु तेरा रक्षक है, प्रभु तेरी दाहिनी ओर तेरी छाया है। दिन को धूप से कुछ तुझे हानि ना होगी और न रात को अंजियारे से। प्रभु सारी बुराई से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे जीव की रक्षा करेगा। प्रभु तेरे बाहर भीतर आने जाने में अब से ले सदा लो तेरी रक्षा करता रहेगा। त्रिएक परमेश्वर पिता की पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब और सदा वर्णानुग होती रहेगी। आमीन। सर्वशक्तिमान अनुराकारी जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तूने अपने इन दास दासियों को एक और साल सुरक्षित रखा है और ये बड़े आनंद और हर्ष के साथ नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। गत वर्ष तूने इनकी रक्षा रखवाले की जोखिमों से बचाया है, पर इस नए वर्ष में जब वे प्रवेश करते हैं अपनी दया अनुग्रह उनके जीवन पर बनाए रखना कि वे सदा इसी रीति से तुझको हृदय और आत्मा के साथ धन्यवाद देते रहे। इन प्रियजनों को भी तू स्मरण कर जिनको तूने विवाह के बंधन में एक तन बना लिया है, और जबकि वे एक और नए वर्ष में विवाहित होने के बाद वर्षगांठ मनाते हुए प्रवेश कर गए हैं। प्रभु बीते समय तू इनके साथ रहकर इनकी अगुवाई की है, इस नए वर्ष में भी तू उनके साथ बना रहकर इनकी अगुवाई कर कि यह सदा तुझको एक तन होकर तेरी कलिश्या के अंग होकर तुझ जीत पर परमेश्वर को सदा धन्यवाद देते रहे और तेरे कामों को जो तूने इनके कांधों पर दिया है बड़े आनंद और हर्ष के साथ पूर्ण करे। इन प्रियों को भी तेरे नज़दीकता में लाए हैं प्रभु, जिनको तूने अपने अनुग्रह और दया के द्वारा उनके विश्वास से भला चंगा और चलता फिरता किया है, हर प्रकार के जोखिमों से अप्रिय घटनाओं से बचा कर इस घड़ी को पहुँचाया है कि वे तेरे सामने घुटने टेके हैं। प्रभु निवेदन है कि उनके साथ इसी रीति से बना रहा कि वे सदा सारी बातों में तुझको धन्यवाद देते रहे, हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। जिस प्रकार हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट ने सिखाया है हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीष्ट हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं, आमीन। समापन प्रार्थना करेंगे। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ, तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरे और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें इस अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एकचित होकर तुझसे अपनी साधन विनतियाँ की हैं, और तू प्रतिज्ञा करता है कि जब दो या तीन में नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु अपने दासों को मनोत्थर इस विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो, इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। आशीर्वाद वचन ग्रहण करें। हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं, प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे, प्रभु अपना मुख का प्रकाश प्रकाशित करे और तुम पर अनुग्रह करे, प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति अब और सर्वदा हो, आमीन। सबको यीशु सहाय।